Okay, question number 4 is, the bar graph illustrates the result of a survey conducted on cars at a traffic junction. Okay, find the total number of cars in the survey. Well, 20 plus 25 plus 20 plus 50 plus 25, so 120. Okay, good. Find the total number of people in all the cars. 5 times 120, 600. Find the total number of people in all the cars. Okay, so in 20 cars the number of people is 1. Okay, so it means ke number of people in one car is 1, so in 20 cars the number of people will be equal to 20 आ जाएगा. ओके, लाइक इफ यू हैव 20 कार्स एंड इन ईच कार द नंबर ऑफ पीपल इज 1, सो टोटल नंबर ऑफ पीपल विल बी इक्वल टू 20. ओके, देन आफ्टर दैट इन 25 कार्स दैट्स विल बी इक्वल टू 2 times 25, सो दैट्स विल बी इक्वल टू 50. Then number of people in 20 cars, that will be equal to, so 20 times 3, that will be equal to 60. Okay, then number of people in 30 cars, that will be equal to 120. Then number of people in 25 cars, and in each car we have 5 people, so total number of people will be equal to 25 times 5 125 ho jayega. See, so now total number of people will be equal to 125 plus 375. Okay, so आपने इस तरह नहीं करना कि नंबर ऑफ कार्स को ऐड कर लो. ओके, और उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लो. एक्चुअली क्यों नहीं करना, बिकॉज आप सारे कार्स में इन 5 पीपल को काउंट कर रही हो, जबकि वो सारे कार्स में 5 पीपल नहीं है. Like you, what 600 आपका किस तरह आ रहा था 600, लाइक यू एड दीज टू ऑल दीज कार्स और उसको फिर आप ऑल दीज कार्स. ओके, लाइक 20 25 फिर 20, उसको आप फिर 5 से मल्टीप्लाई कर रही थी. लाइक यू आर कंसिडरिंग 5 पीपल इन वन कार. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 5 पीपल इन ऑल कार्स नहीं है, 1 पीपल इन 20 कार्स, वी हैव 1 पीपल. In next 25 cars we have 2 people. Okay, in next 20 cars we have 3 people. So that's why आपने इसी तरह properly इसको solve करना है. Okay, got it? Yes. Okay, part 3. Express the number of cars with 4 or more people as the percentage of the total number of cars surveyed. So total number of cars हमारे पास 603. No, not 625. Total number of cars को find कर लेते हैं पहले. That is 20 plus 25. Okay, so that should be equal to 120. अब उन्होंने क्या किया है कि एक्सप्रेस द नंबर ऑफ कार विद 4 और मोर पीपल. तो विद 4 और मोर पीपल. ओके, तो एक्सप्रेस द नंबर ऑफ कार्स विद 4 और मोर पीपल एज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्स सर्वर्ड.
तो हमारे पास परसेंटेज क्या हो जाएगा, ऊपर भी हमने कार्स लेने, नीचे भी कार्स लेने हैं। मैंने आपसे कहा था कि परसेंटेज में हमने ऊपर जो भी लेने हैं वही सेम यूनिट में नीचे भी लेने हैं। इस तरह नहीं करना कि ऊपर आपने पीपल लेने हैं, नीचे कार लेने हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लो तो ये नंबर ऑफ पीपल लाइक इन 30 कार्स ईच कार विल हैव 4 पीपल्स, सो 30 प्लस 25 दैट्स विल बी गो टू 55 डिवाइड बाय 120। सो परसेंटेज क्या आ जाएगा, 55 डिवाइड बाय 120 टाइम्स 100 दैट्स विल बी गो टू 45.83 परसेंट। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस पार्ट। अच्छा क्वेश्चन, इफ ऑल द इंफॉर्मेशन इज इलस्ट्रेटेड ऑन ए पाई चार्ट फाइंड द एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ओके ओके, वी विल नीड टू फाइंड द एंगल ऑफ ईच सेक्टर। फॉर एंगल हैविंग वन पीपल, ओके वन पीपल में आपके कितने कार्स हैं, 20 आउट ऑफ टोटल कार्स कितने हैं, 120 का। यस ओके, तो 20 आउट ऑफ 120 टाइम्स 360 डिग्री तो 60 डिग्री एरिया कवर्ड बाय वन पीपल। ओके, लाइक वन पीपल जो है वो 60 डिग्री एरिया कवर करेंगे, दिस मच एरिया कवर्ड बाय वन पीपल। अच्छा उसके बाद हमारे पास टू पीपल, तो वो आपका कितना है, 25 डिवाइड बाय टोटल आ जाएगा 25 डिवाइड बाय टाइम्स 360 सो 75 डिग्री। सो यहां से फिर आपने 75 लेना, ओके बेस से नहीं लेना आपने 75, फिर आपने यहां से लेना है, तो ये कुछ इस तरह बनेगा। ये आपका टू पीपल जाएंगे। अच्छा अब हमारे पास तो वहां पे 20 60 डिग्री आ जाएगा, तो फिर आपने यहाँ पे वो एक्चुअली प्रोटेक्टर आपने इस तरह रखना है, इस पे प्रोटेक्टर आपका इस तरह हो जाएगा। ओके यहाँ से नहीं लेना, तो यहाँ से 60 डिग्री ले रहे हो तो दिस 10 20 30 40 50 60 तो यहाँ पे आएगा, सो ये आपका बन जाएगा इस तरह, दिस विल बी थ्री पीपल्स। ओके अच्छा अब हमारे पास एरिया हैविंग फोर पीपल्स, तो फोर पीपल के लिए क्या है, 30 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के लिए आपने प्रोटेक्टर इस तरह रखना है, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो ये आपके इस तरह बन जाएगा। सो ये एरिया आपका 90। अच्छा जो रह जाते हैं वो आपका फिफ्थ होगा, इसको आप फाइंड भी कर सकते हो,
या जो एरिया रह जाते हैं वो हमारा 5 हो जाएगा। ओके अच्छा, 5 का एंगल फाइंड करने, तो ये सारे एंगल्स आपके पास आ गए, 60, 90, 75 एंड दिस 60। तो आप इस तरह कर लो कि 5th का फाइंड करने, तो 360 माइनस 90 माइनस 60, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, द लाइन ग्राफ शो द मास ऑफ द बेबी फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ। ओके, यूज डेटा फ्रॉम द लाइन ग्राफ, कंस्ट्रक्ट ए टेबल शोइंग द मास ऑफ द टेबल फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ। ये तो ईजी है। ओके, आपने मंथ करना है, तो 1 फर्स्ट मंथ में कितना है वो आपने इस तरह मैयर करना है। ये कितना आ रहा है यहाँ पे, .2, .4, .6, .8, .1, तो ये 3.1, 3.4 आ रहा है। के लिए क्या आएगा, 3.8 आएगा। थ्री के लिए सही। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द मास ऑफ द बेबी फ्रॉम 4 to 6 मंथ। अच्छा, 4 to 6 मंथ आपका वो एज क्या रहे, परसेंटेज इंक्रीज करनी, हम किस तरह फाइंड करते हैं। फाइंड करना है तो इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 4.2 kg to 5। ओके, द क्वेश्चन इज फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द मास ऑफ द बेबी फ्रॉम 4 टू 6 मंथ। लाइक 4 से 6 मंथ तक कितना परसेंटेज इंक्रीज आ रहा है, सो इट मींस के ऊपर हमने डिफरेंस लेना है, दैट शुड बी 5 माइनस 4.2। नीचे आपने ओरिजिनल वैल्यू लेना है। ओके, सो ओरिजिनल वैल्यू इज दिस वन, यहाँ से इंक्रीज आ रहा है, सो दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू। तो हमेशा नीचे से, नीचे आपने ओरिजिनल वैल्यू लिया, टाइम्स 100 हो जाएगा। सो आप फाइंड कर लो, दिस विल बी 5 माइनस 4.2। इंक्रीज आ रहे हैं। ओके अच्छा, अब अगर आपने इसको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत, तो आप इस तरह कर लो कि दिस इज इंक्रीजिंग, तो 100 प्लस 90, तो 119% ऑफ दिस फाइंड कर लो, 119% ऑफ 4.2 फाइंड कर लो। इफ दैट इज इक्वल टू 5, तो इट मींस कि आपका आंसर सही है। इसको आप इस तरह भी कर सकते हो कि यू विल फाइंड दी 19% ऑफ 4.2 kg, उससे जो आंसर आ जाए उनको आपने ऐड करने 4.2 के साथ, तो आपके पास 5 आएगा। और इसको आप इस तरह भी कर सकते हो कि फाइंड 119% ऑफ 4.2 kg, तो आपके पास डायरेक्टली 5 आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे डिक्रीज हो गया कि फाइंड दी परसेंटेज डिक्रीज, तो डिक्रीज के लिए क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, लाइक आपने इस तरह करना, या तो आप इस तरह कर लो कि 19% ऑफ 4.2 kg फाइंड कर लो, उससे जो आंसर आ जाए वो 4.2 kg से आप सब्ट्रैक्ट कर लो, सो यू विल गेट दी फाइनल आंसर। या आप इस तरह कर लो कि 100 माइनस 19 से क्या आता है, 81% आता है। तो आप इस तरह कर लो कि 81% ऑफ 4.2 kg फाइंड कर लो, यू विल गेट दी फाइनल आंसर। ओके,
सो दोनों मेथड से आप कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे। बट ये मेथड जो है ये 81% या 119%, ये थोड़ा सा आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, जबकि दूसरा मेथड थोड़ा सा टाइम वेस्ट करता है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड टू फाइंड द 19% ऑफ दिस, देन आफ्टर दैट यू विल ऐड दैट 19% से जो आंसर आ जाए वो आपने इसके साथ ऐड करने, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है कि लाइक 100% प्लस 19% इन केस ऑफ इंक्रीजिंग एंड 100% माइनस 19% इन केस ऑफ डिक्रीजिंग। ओके, गॉट इट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, द पाई चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट एंड द टीचर इन ए स्कूल इफ देयर आर 5 टाइम्स एज मेनी फीमेल स्टूडेंट्स एज टीचर इन द स्कूल, फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टीचर इन द स्कूल। स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ टीचर्स। ओके, अच्छा यहाँ पे मेरे पास टोटल एंगल कितना आ रहा है, टोटल एंगल मेरे पास आ रहा है लाइक फीमेल स्टूडेंट प्लस टीचर का जो टोटल एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो मेरे पास आ रहा है 360 माइनस 240, 120 आ रहा है। ओके, यस 120 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे मुझे गिवन है कि फीमेल स्टूडेंट जो है दैट इज 5 टाइम्स द टीचर्स, तो यहाँ पे आप 5 टाइम्स टीचर पुट कर लो प्लस टी विल बी इक्वल टू 120 आ जाएगा, तो दिस विल बी 60 विल बी इक्वल टू 120, तो आपका टी जो है वो 20 डिग्री आ जाएगा। ओके, दिस विल बी द आंसर ऑफ ए पार्ट। अच्छा बी पार्ट इज If there are 45 teachers in the school, find the number of female students in the school. Okay, तो female students क्या होंगे, हो जाएंगे 5 times number of teacher is 45. तो 225 हो जाएगा. Okay, this will be the amount of female student. सही, समझ आ रहा है? कंफ्यूजन हो तो बोल दिया करो, ओके पूछ लिया करो क्वेश्चंस। फाइंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन द स्कूल। ओके, तो अब हमने नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स फाइंड करने, ओके टीचर्स भी हमारे पास आ गए और हमारे पास जो फीमेल हैं वो भी आ गए हैं। सही है। अच्छा टू फोर्टी डिवाइड बाई 360 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में मेल स्टूडेंट्स कितने एरिया कवर करें, 240 आउट ऑफ 360 डिग्री कवर कर रहे हैं। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ फिर मल्टीप्लाई कर लो, सो यू विल गेट द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट। सो द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट विल बी टू 240 डिवाइड बाय 360 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज, इट मीन्स के मेल स्टूडेंट्स प्लस फीमेल स्टूडेंट्स प्लस टीचर। ओके, तो आपके पास फीमेल्स भी आ गए, मेल स्टूडेंट्स भी आ गए, आप नहीं मेल स्टूडेंट हमने फाइंड कर लिया प्लस फीमेल स्टूडेंट्स भी आ गए और टीचर्स भी आ गए, तो 225 प्लस 45 दैट्स इक्वल टू 270। ओके, तो अब हमने क्या करना है,
male students will be equal to 240 divided by 366 square. That's equal to 0.66. तो ये इस साइड पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.66 दैट्स इक्वल टू 0.33। तो इट मींस के मेल स्टूडेंट विल बी इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 0.33 540। इट मीन्स के नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इज 540। ओके, 540 आपके ये एरिया कवर करेगा। एंड 45 टीचर्स इज दिस एरिया, फीमेल स्टूडेंट 225 हो जाएंगे। अच्छा, ये पार्ट आपको समझ आ गया कि नहीं? मैं दोबारा समझा दूँ? समझ आ गया। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लो ताकि लेटर ऑन इफ यू हैव कंफ्यूजन तो आप क्लियर हो दिस वन। अच्छा, पार्ट सी आपने खुद ही करना है। इफ 2/3 ऑफ द टीचर आर वुमेन, ओके, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ फीमेल इन द स्टूडेंट्स एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्कूल डिस्ट्रीब्यूट पॉपुलेशन। ओके, टोटल स्कूल पॉपुलेशन आपने देखना है। ओके, तो टोटल स्कूल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? टोटल स्कूल पॉपुलेशन मीन्स के द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट, द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट, द नंबर ऑफ टीचर्स। ओके, आपने सारे ऐड कर लिए। सबको ऐड कर लो, 540 प्लस 225 प्लस 45। ओके, परसेंटेज के लिए हम ऊपर मैंने क्या लिखना है? नीचे तो आपका टोटल पॉपुलेशन आ जाएगा 810 आ जाएगा, ऊपर क्या होगा? ऊपर 360 आएगा। एक्चुअली जब भी आपने परसेंटेज को फाइंड करना है तो आपने इन्हीं स्टेटमेंट को लेना है। ओके, इफ 2/3 ऑफ द टीचर आर वुमेन, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ फीमेल एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो नीचे आपका टोटल पॉपुलेशन आ जाएगा, ऊपर आपने नंबर ऑफ फीमेल्स इन द स्कूल लेना है। तो फीमेल स्टूडेंट्स कितने थे? फीमेल स्टूडेंट्स 225 थे। ओके, फीमेल स्टूडेंट 225 फीमेल स्टूडेंट्स थे, नंबर ऑफ फीमेल्स इन द स्कूल। और 2/3 ऑफ द टीचर आर वुमेन, तो इट मींस के 2/3 ऑफ द टीचर आर 45, तो ये इतने वुमेन्स थे। ओके, तो वुमेन्स टीचर प्लस फीमेल स्टूडेंट्स तो आपके पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स। तो 30 आ जाएगी इससे। प्लस 225 तो इससे आ जाएगा 255। सो दिस इज द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट। तो आउट ऑफ 810 स्टूडेंट्स 255 आर द फीमेल स्टूडेंट टाइम्स 100 कर लो। सो परसेंटेज जब भी आपने फाइंड करना है तो इसी तरह आपने लेना है।
सो 31.48%। This will be the answer of this part. Got it? अच्छा, question number 7. A factory produces 3 products A, B, C in the ratio इतना. When this information is illustrated on a pie chart, the anchor of the sector that represent the quality quantity of C produced is 120 degree. Find the value of X. Okay, the angle that represent the quantity of C is 120 degree. So it means ke for quantity angle, what you will do, you will need to take this amount C ratio le lo, divide by sum of ratio, to 5 6 plus x ho jayega 5 + 1 6 + x times 360 degree हम करते हैं normally pie chart पे draw करने के लिए. ओके, 5 divided by total times 360 degree for the angle and times 100 for the percentage, but this angle is given to me. So what I will do, मैंने 120 degree यहाँ पे लिखना है. This is given to me, 5 divided by 6 plus x हो जाएगा times 360 degree हो जाएगा. So now do cross multiplication. So 120 times 6 plus x will be equal to 5 times 360 हो जाएगा. So आपका यह आ जाएगा divide by 120, यहाँ पे भी कर लो, यहाँ पे भी कर लो. So this 120 will cancel out by this 120. So here you will get 5 times 3 is 15 आ जाएगा साइड पे, और यहाँ पे आपके पास 6 plus x आ जाएगा. 6 को साइड पे ले जाओ, so 15 minus 6 हो जाएगा. So this will be the final. Okay, the line graph show the number of people in a town in each year from 2012 to 2002 to 2012. Between which 2 years did the town have the greatest increase in the number of peoples? So this is the number of peoples, and tell me which year, कौन से year में greatest number of people increase आ रहे हैं? Greatest increase in the number of people आ रहे हैं, okay? Greatest number of people and greatest increase in the number of people. तो what do you think, क्या करना होगा यहाँ पे? 2011 and 2012. अच्छा, यहाँ पे आपने स्लोप को देखना है, ओके, कि इंक्रीज कितना आ रहे हैं. तो यहाँ पे देख लो, तो एक ये भी इंक्रीज है, बाकी कम इंक्रीज है, ओके, इतने नहीं है. तो इसका स्लोप जो है वो दैट इज़ लेस देन दिस स्लोप. ओके, यहाँ पे देख लो, तो ये स्लोप यहाँ इस तरह आ रहा है. सो दैट इज़ दिस स्लोप इज़ लेस देन दिस स्लोप, तो ये इंक्रीज ज़्यादा है. ओके, अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इज द यूजिंग डेटा फ्रॉम द लाइन ग्राफ कंस्ट्रक्ट अ टेबल शोइंग द नंबर ऑफ पीपल इन द टाउन ओवर द 11 ईयर्स. तो आपने टेबल ड्रा करना है. ओके, इस तरह यहाँ पे आपने ईयर्स लिखने हैं, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ पीपल लिखने हैं. तो यहाँ पे ईयर 2002 में कितने थे वो आपने यहाँ से पिक करने है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन बॉक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1 2 3 4 5 वन आ रही है. सो दिस विल बी 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है. पे 2003 में क्या है, 6 है. फिर 2004 में क्या है, तो 9 है. फिर 2005 में क्या है, दैट इज़ इन बिटवीन 9 एंड 10. तो फिर
लेकिन हम नंबर ऑफ पीपल को तो इस तरह नहीं कह सकते कि 9.5, ओके तो इसको 10 ले लेते हैं। इस तरह तो आप नहीं ले सकते कि 9 कंप्लीट पीपल है एंड 1 हाफ पीपल है, ओके तो आपने यहाँ पे होल नंबर लेना है इन 2005। इसी तरह 6 में 10, 11, 12, 12 हो जाएगा, ओके तो इस तरह का टेबल आपने ड्रा करना है। पार्ट 3, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द टाउन फ्रॉम 2009 टू 2012। सो परसेंटेज इंक्रीज कितना आ रहा है, क्या करने है, व्हाट डू यू थिंक क्या करना होगा यहाँ पे 2009 से 2012 तक, लाइक कितने इंक्रीज आ रहे हैं। तो 2009 पे क्या वैल्यू है, 16 है, और वहाँ पे क्या वैल्यू है, 25 है। सो व्हाट डू यू थिंक क्या करना होगा यहाँ परसेंटेज इंक्रीज आपने फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर आपने 16 माइनस 25 नहीं लेना, क्योंकि फिर आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। 16 माइनस 25 आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रहे हैं, और परसेंटेज में हम नेगेटिव परसेंट नहीं लेते, ओके। तो ऊपर क्या ले लो, 25 माइनस 16, यस परसेंटेज इंक्रीज आपका आ जाएगा 25 माइनस 16। नीचे क्या आएगा, ओरिजिनल वैल्यू, नीचे क्या आ जाएगा, 25। नो, इंक्रीज कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 25 से स्टार्ट हुआ था या 16 से स्टार्ट हुआ था, 16। या तो 16 विल बी योर ओरिजिनल वैल्यू, ओके। इस तरह लोग फाइंड करते हैं, दिस इज योर ओरिजिनल वैल्यू, और डिनोमिनेटर में हमेशा आपने ओरिजिनल वैल्यू लेना है, ओके। अच्छा, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि द वैल्यू डिक्रीज फ्रॉम 25 टू 16, ओके, लाइक वैल्यू डिक्रीज हो गई 25 से 16, तो न्यूमरेटर में तो आपने 25 माइनस 16 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे तो आपने वैल्यू इस तरह लिखना है ताकि आपके ये ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव आ जाए, लाइक 16 माइनस 25 नहीं लिखना इन केस ऑफ डिक्रीजिंग, ओके। तो डिक्रीजिंग परसेंटेज के लिए फिर हम नीचे क्या लिखेंगे, आपका ओरिजिनल वैल्यू 25 है, ओके, तो फिर हम नीचे 25 लिखेंगे, बिकॉज दिस विल बी द ओरिजिनल वैल्यू, लाइक आपके पास ओरिजिनल वैल्यू 25 है और 25 से फिर डिक्रीज हो गया 16 में आ गया, सो 16 विल बी योर न्यू वैल्यू, ओके। सो इन केस ऑफ डिक्रीजिंग यू विल टेक 25, इन केस ऑफ इंक्रीजिंग यू विल टेक 16, बिकॉज इंक्रीजिंग स्टार्ट फ्रॉम 16 एंड डिक्रीजिंग स्टार्ट फ्रॉम 25, सो दैट्स वाई यू विल टेक 25 इन द डिनोमिनेटर इन केस ऑफ डिक्रीजिंग एंड 16 इन द डिनोमिनेटर इन केस ऑफ इंक्रीजिंग। अब समझ आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं होगा, नहीं या ओरिजिनल वैल्यू की आपको समझ आ गई क्या, व्हाट इज मीन बाय ओरिजिनल वैल्यू, ओके गुड। सो नीचे आपके 16 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, टाइम्स क्या करना है परसेंटेज में, 100, यस 25 माइनस 60 डिवाइड बाई 16, तो 56.25% आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सजेस्ट ए रीजन फॉर द सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन 2012। सो क्या रीजन दोगे आप, यहाँ पे आप ये रीजन दे दो, ओके, के बिकॉज ऑफ द decreasing ओके लाइक डेथ रेट कम हो गया और बर्थ रेट आपका ज़्यादा हो रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज द बेसिक रीज़न बिहाइंड दिस, पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज हो रहा है 2000। सो इट मीन्स के इन 2011 एंड 2012 आपका डेथ रेट कम हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, टेबल शो द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट टेकन एवरी 3 आवर्स
पे 115, फिर 3 PM पे, 3 PM फिर 5 PM पे, ओके, फिर 8 PM पे, फिर 11 PM पे, इसी तरह टाइम बाय टाइम, दिस इज 3, तो लाइन ग्राफ आपने ड्रा करने, तो सिंपल क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने टाइम लेने इन टर्म्स ऑफ, ओके, यहाँ पे आपने टेम्परेचर लेने, तो टाइम 1500 पे क्या होगा, फिर इस तरह 1800, फिर 2100, तो ये टेम्परेचर क्या था, तो वो आपने यहाँ पे पुट करने 1 2 3 4 5 6 इस तरह के ले लो, फिर यहाँ पे 3950 पे 39 है, वो आप फिर इस तरह कर लो, 1800 पे कितना है, वो कितना है, तो ये इस तरह आप फिर ड्रा कर लो लाइन को, फिर ज्वाइन कर लो, तो दिस विल बी योर लाइन ग्राफ। फ्रॉम द लाइन ग्राफ विच यू हैव ड्रॉन इन वन एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट एट 1700 आवर and 100 hour respectively. 1700 means के it will lie in between यहाँ यहाँ पे and 1 means के it will lie over here. तो हमने क्या करना है यहाँ पे, estimation करना है, okay? तो एस्टिमेशन मीन्स के हमने एवरेज निकालने हैं, तो एवरेज क्या हो जाएगा इसका, अच्छा 1700 पे टेम्परेचर क्या होगा वो आप एस्टिमेशन ले लो, तो यहाँ पे आपके 1700 आएगा, तो ये आपने इस तरह फाइंड करना है, यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो आपने लिखना है, इसी तरह फिर 100, तो दिस इज 000, फिर यहाँ पे 300, तो वो लेट से आपका पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपने ये लाइन इस तरह ड्रा करने, तो यहाँ पे आपका 1 आएगा, तो वो 1 यहाँ इस पॉइंट पे आएगा, ये फिर यहाँ पे क्या वैल्यू है, तो वो आपने देखना है, तो वो वैल्यू आपने आपका टेम्परेचर हो जाएगा, ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट, ओके। ये लाइन हमने सही ड्रा नहीं किया, क्यों ड्रा नहीं किया, क्योंकि हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, ग्राफ पेपर पर आपने प्रॉपरली ड्रा करना है, ओके, इस तरह इक्वल लेंथ पे आपने ये भी पुट करने, और यहाँ पे भी 1 2 3, या आप इस तरह कर लो कि 5 5 का ले लो, दिस विल बी 5 10 15 20 25 30 हो जाएगा 35, ओके, फिर आप इनको पॉइंट्स को पुट कर दीजिए, वो तो आपको आता होगा होपफुली लाइन ग्राफ को किस तरह ड्रा करना है, राइट, यस, या तो उसको जो पॉइंट्स आप पुट कर लोगी तो उसको फिर आप ज्वाइन कर लो लाइक दिस, ओके, और उसके बाद क्वेश्चन जो है 1700 ले लो, तो 1700 यहाँ पे क्या कहाँ पे आ रहे हैं, लाइक अगर आपने ये 3 300 लिए, तो 300 पर ये 600 900 इस तरह, तो 1500 पर आप ले लो, यहाँ पे 1500 पे जो पॉइंट आएगा, तो 700 पे 1700 पे कहाँ पे पॉइंट आएगा, तो वो इस तरह लाइन आपने ड्रा करनी जो मैंने यहाँ पे ड्रा की, इस तरह ऊपर लेके जाने यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या है वो आपने नोट डाउन करनी है, ओके, सो यू विल राइट फॉर 1700 द टेम्परेचर वैल्यू इज, तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है, इसी तरह फिर फॉर 100 आवर द टेम्परेचर वैल्यू इज, तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है, राइट, इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है, गॉट इट,